तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिजिटल विला में। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। दोस्तों आज की वीडियो भी एडसेंस से रिलेटेड होने वाली है। दोस्त इससे पहले हमने एडसेंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप बना रखी है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं सारी वीडियोस दोस्त। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कंसिडर कर रहे हैं, जो क्वेश्चन ये है कि दोस्त एडसेंस का जो पिन वेरिफिकेशन होता है, तीन बार पिन वेरिफिकेशन ना आने पर अब क्या किया जाए, क्या करना चाहिए और कैसे नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। देखो दोस्त, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिन वेरिफिकेशन कब होता है। लेट मी टेल यू लिटिल बिट इन डिटेल। जब भी आप देखो, गूगल का ये जो सपोर्ट है, इन्होंने लिख रखा है यहां पर कि जब आपका $10 हिट हो जाता है, $10 का थ्रेश होल्ड होता है दोस्त, अगर आपका $10 हिट हो जाता है तब जाके आपको पिन वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन इनेबल होता है। जब वो पिन वेरिफिकेशन का ऑप्शन इनेबल होता है दोस्त, तो किस इस तरीके का आपको डैशबोर्ड में दिखता है। यहां पे वेरीफाई का ऑप्शन देता है और वेरीफाई पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहां पे पिन डालने का ऑप्शन मिलेगा। देखो यहां पे लिखा हुआ है वी मेल्ड यू अ पिन ऑन किसी भी तारीख को, ये मेल करते हैं आपको और 2 से 4 वीक लगते हैं आने में आपके पास, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि आपको इस तरीके का एक एनवलप आता है जिसमें कोड नंबर होता है जो आपको वहां पे डालना होता है वेरीफाई करने के लिए। ये कोड होता है 6 डिजिट का कोड होता है जो आपको वहां पुट करना होता है, फिर आपका जो एडसेंस होता है वो वेरीफाई हो जाता है। अब सवाल ये है कि मान लो कि इन केस नहीं आता है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अकॉर्डिंग टू गूगल देखो क्या करना होता है दोस्त, 3 बार आपके पास ऑप्शन होता है इसको करने का, मतलब 3 टाइम में आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। यानी एक बार आप पिन जेनरेट करते हो गूगल एडसेंस से, एडसेंस का जो पिन है एक बार जनरेट करते हो, उसके बाद आपको 2 से 4 वीक का वेट करना होता है और 4 वीक के अंदर वो आ जाता है। अगर नहीं आता है तो फिर दोबारा आप अप्लाई करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको 4 वीक का वेट करना होता है और फिर अगर वो नहीं आता है तो 3rd टाइम, 3 बार आपको ऑप्शन मिलता है, 3 बार अप्लाई करते हो आप। अगर 3ों बार में वो नहीं आता है तो जो लास्ट टाइम आपने अप्लाई किया होता है 3rd टाइम, उसको बाद आप 30 डेज का वेट करते हो, अगेन मतलब 4 वीक्स का वेट करते हो और उसके बाद जो आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है दोस्त वो आपको करना होता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फिर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है दोस्त। देखो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा था, आई डिड नॉट रिसीव एडसेंस पिन आफ्टर 3 रिक्वेस्ट टाइम, प्लीज हेल्प मी। देख सकते हो कि इन्होंने ये कहा, फिर इन्होंने इसके स्टेप बताए क्या क्या थे कि पहले आप पिन रिसीव करने वाला जो वो होता है उसको कंप्लीट करें, अगर 3 बार में भी नहीं आता है तो इन्होंने कहा है कि व्हेन डिड यू रिक्वेस्ट योर लास्ट पिन, लास्ट पिन कब होता है, 90 डेज पास्ट, इफ नॉट देन वेट फॉर 30 डेज, ठीक है। आपको करना होगा जो लास्ट पिन आपने अप्लाई करा था, अगर उसके 30 दिन बाद आपको क्या करना होता है, 30 दिन तक आपको वेट करना होगा लास्ट पिन के बाद भी। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि गवर्नमेंट की जो आईडी होती है, जैसे कि कोई आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, जिसमें आपका नाम एड्रेस जनरली जो होगा वो एड्रेस से रिलेटेड होगा। भाई एड्रेस वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो पैन कार्ड तो नहीं चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आधार कार्ड आपका चाहिए, आपको फिर से अपलोड करना होगा, अपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन करना होगा, आपको गूगल को बताना होगा कि हाँ आप इस पर्टिकुलर एड्रेस पर रहते हो। क्या होता है दोस्त कि 3 बार जब नहीं आता है आपका तो गूगल ये देखता है कि वेरीफाई करता है कि भाई आप अपना एड्रेस को एक बार वेरीफाई करो, मतलब आपका डॉक्यूमेंट जो है उसको सबमिट करो ताकि ये वेरीफाई कर सके कि सच में ये रियल एड्रेस है। और इसके अलावा मेरा सजेशन ये है दोस्त, जैसे आप ये 3 बार अप्लाई कर लेते हो फिर उसके बाद अपनी आइडेंटिटी दे देते हो तो उसके बाद क्या करना चाहिए आपको मैं बताता हूँ। कभी कभी आपका एड्रेस जो होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, इस वजह से वहाँ पर नहीं आ पाता, तो आप क्या कर सकते हो कि आपका जो पिन होता है वो पोस्ट ऑफिस तक तो जरूर आता है, तो पोस्ट ऑफिस में जो भी आपका पोस्टमैन होता है उससे आप थोड़ा अच्छा रिलेशन रखो और उससे पहले बात कर लो कि भाई देखो एक इस नाम से पिन आएगा मेरा, ठीक है, और इस नाम से जब पिन आएगा तो आप मुझे वो एनवलप दे देना और उसको कुछ आप पैसे दे देना उस वक्त। इससे क्या होगा कि वो बंदा काफी मतलब क्यूरियस रहेगा कि जैसे ही आपका आएगा वो आपको दे, क्योंकि उनको पता होता है, क्योंकि वो हमेशा देते रहते हैं एडसेंस के पेन हर जगह जाकर, ठीक है। तो वही आपको करने का है, आप पोस्टमैन के साथ अच्छा बातचीत रखो और उनको बोलो कि ठीक है अगर मेरे नाम का कोई आता है तो आप मेरे को यहां दे दें, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस प्रॉपर एड्रेस पर नहीं जाता है तो फिर भी उनसे बात करके आप या तो पोस्ट ऑफिस से भी जाके ले सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो आपका पिन जरूर आ जाएगा, मुझे उम्मीद है, भले ही आपको 3rd बार हो चुका हो, कितने बार भी हो चुका हो, आइडेंटिटी उसमें अपना कंफर्म करके, अगर 3 बार आप कर चुके हो, नहीं हुआ है तो अपना आइडेंटिटी कंफर्म करें, कोई आधार कार्ड फिर अपना अपलोड करें, ठीक है, और फिर उसका 3 टाइम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस बार आप क्या करें कि आप पोस्ट ऑफिस वाले से कॉन्टैक्ट रखें, हालांकि आप स्टार्टिंग में भी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके पास आ जाता है कभी कभी लेकिन आपके पास नहीं पहुँच पाता, ठीक है।
तो उनसे अगर बातचीत आपकी सही रहेगी तो आपको पिन जरूर मिल जाएगा दोस्त, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग एल्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।